हेलो एवरीवन, आई एम शिवम गुप्ता, ओनर एंड फाउंडर ऑफ 3D लर्निंग एकेडमी। इट्स एन ऑनलाइन कोचिंग फॉर कैट जेड एंड मेडिसिन एंड NIFT। मॉक जोन स्पेसिफिकली ओन बाय 3D लर्निंग एंड फोकसेस ऑन मॉक टेस्ट, क्रैश कोर्स एक्सेट्रा। सो गाइस, टुडे इज गोइंग टू वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज हु प्लान टू प्रिपेयर फॉर कैट 2020 एग्जाम एंड आर स्ट्रगलिंग इन क्वांट्स। काफी लोग जो इशू है जिनको हो रहा है क्वांट्स में कि बाकी दोनों सेक्शन तो हो रहे हैं ठीक, बट क्वांट्स में का स्कोर नहीं आ पा रहा है। सो गाइस, आज जो मैं स्ट्रैटेजी बनाने वाला हूँ वो शायद आप लोगों को नहीं पता हो, ठीक है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप 30 डेज की प्रिपरेशन में 90% ला सकते हो आराम से। गाइस, ये बिल्कुल डूएबल है। मैं ऐसा कुछ आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आपको बहुत ज्यादा कुछ करना है, कि 7 दिन में आपको लाना है बहुत ज्यादा परसेंटाइल, 10 दिन में लाना है बहुत ज्यादा परसेंटाइल, 99 के अराउंड लाना है, ऐसा मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। बिल्कुल फीजेबल चीज बोल रहा हूँ। ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि कैट 2020 में पूरा ओवरऑल लाना है, क्वांट्स बात कर रहा हूँ जो कि बिल्कुल डूएबल है, ठीक है। गाइस, परसेंटाइल ज्यादा आता है एग्जाम में एज कम्पेयर टू मॉक्स, द रीजन बींग बच्चे ज्यादा होते हैं, क्योंकि परसेंटाइल बेसिकली रैंक ही होती है एक तरह से, ठीक है। अगर 2 लाख बच्चे बैठे हैं वो 90% चाहिए, तो कम से कम आपकी रैंक मतलब 20,000 आनी चाहिए। 20,000 तो आ सकती है, 20,000 10% हुआ ना उसका, बट मॉक्स में ये चीज नहीं हो पाती है, ठीक है। क्योंकि मॉक्स में जो होते हैं बच्चे 20,000 जो दे रहे होते हैं मॉक्स, 20-25,000 जो अच्छे स्टैंडर्ड मॉक्स हैं टाइम का, IMS का, वो सब सीरियस बच्चे होते हैं, बट कैट में 2 लाख सीरियस नहीं होते हैं, इसलिए आपका आराम से आ सकता है, ठीक है। तो बस ये बिल्कुल फीजेबल है पहली बात, तो ऐसा मत सोचना कि ऐसे ही मतलब बना दिया वीडियो। और हम लोग स्ट्रैटेजी जो बनाएंगे वो आपने फॉलो करी तो आपका रियली आराम से आ जाएगा 90%, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि काफी कम स्कोर चाहिए होता है, बच्चों को पता ही नहीं होता है। गाय, स्ट्रैटेजी वगैरह भी इंपॉर्टेंट चीज होती है, खाली पढ़ाई करते रहने से नहीं होता है। पढ़ते तो बहुत लोग हैं, हर बच्चा टाइम IMS की बुक लगा रहा है बट क्यों नहीं आता है स्कोर, ठीक है। कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी प्ले करती है कि आपको कैसे स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए अपने आपको अपने उसको, ठीक है। चलो गाइस, तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट। आगे बढ़ने से पहले गाइस, इंपॉर्टेंट काम करो, वीडियो को लाइक कर दो, बिकॉज काफी लोग जिस तरह का वीडियो देखना चाह रहे हैं, वीडियो लाइक करने से वीडियो ऊपर आ जाएगा एंड हेल्प हो जाएगी उनकी। एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो गाइस, क्योंकि डेली वीडियोस बन रहे हैं, चाहे वो कंसेप्ट बेस्ड वीडियो, चाहे वो स्ट्रेटेजी बेस्ड वीडियो, चाहे वो कंटेंट बेस्ड वीडियो, ठीक है। तो कर दो लाइक और सब्सक्राइब। चलो सो गाइस, पहले कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि 90% आता कैसे है। सो गाइस, ये मैंने ऑब्जर्व किया है कि कैट में क्वांट सेक्शन में 90% जो आता है वो टोटल स्कोर का 1/3 के अराउंड होता है, ठीक है। 1/3 या 1/3 से कमी होता है, ठीक है। मतलब पहले ऐसे ऐसा था, पहले 102 मार्क्स का होता था कैट का क्वांट सेक्शन, उसमें से मुझे याद है कि अराउंड 32-31 नंबर में 90% क्रॉस कर गया था, ठीक है। वो मतलब एवरेज पेपर में और ज्यादा कम में आता है, और अगर पेपर इजी हो तो थोड़ा सा ज्यादा होता है, बट स्टिल एवरेज मान के चलते हैं तो हमारा आराम से 1/3 मान लो बिल्कुल सही है स्कोर। 1/3 अगर आपका स्कोर आया तो आपका 90 तो क्रॉस होगा ही होगा, ठीक है। बट इस बार क्या हुआ, इस बार नंबर ऑफ क्वेश्चन रिड्यूस हो जाएंगे बिकॉज 2 घंटे का कैट हो गया। तो हम ये अज्यूम करके चले हैं कि इस बार चलो मान लो समय 25-25 क्वेश्चन है, पहले 34 क्वेश्चन होते थे कॉन्ट्स में, 25 क्वेश्चन है, ठीक है। तो गैस जो 25 क्वेश्चन है, ठीक है, उसका मान के चलेंगे हम लोग इस बार, ठीक है। तो गैस जो स्ट्रैटेजी बनानी है कि मान लेते हैं, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप अभी स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है, ठीक है। तो मेनली जो चैप्टर्स होते हैं क्वांट्स में वो क्या होते हैं, मेनली जो ब्रॉड टॉपिक्स होते हैं वो होते हैं अर्थमेटिक होता है, एलजेब्रा होता है, नंबर थ्योरी होता है, और आपका ज्योमेट्री होता है, चार, ठीक है। उसमें से चार में से आपको करना क्या है, चार में से आपको कोई दो अच्छे से करने हैं, ठीक है, और दो में से एक आपको करना ही करना है, अर्थमेटिक। अर्थमेटिक को आप छोड़ ही नहीं सकते हो, क्योंकि अर्थमेटिक का 50% वेटेज होता है कैट में कोई भी एग्जाम। अब बाकी तीन में से आपको कोई एक पकड़ना है। जनरली जो नॉन इंजीनियर्स हैं उनको एलजेब्रा टफ लगती है, इनइक्वालिटीज हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, उनको नहीं समझ में आता ग्राफ वगैरह, ठीक है। नंबर सिंपल है, नंबर कर सकते हो आप, ठीक है। एलजेब्रा में ऐसा भी नहीं कि सारे टॉपिक्स टफ लगते हैं, कुछ टॉपिक्स इजी भी होते हैं, एपीजी भी हो गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, ये सबका बेसिक कर लो, ठीक है, क्योंकि वेटेज है उसका। ज्योमेट्री बेसिक प्रॉपर्टीज कर लो या तो, ठीक है। तो मेनली आपको अर्थमेटिक करनी ही करनी है, ठीक है, और एलजेब्रा और नंबर्स में कोई आप एक कर लो। ज्योमेट्री काफी लोग को टफ लगती है, प्रॉपर्टीज लगा नहीं पाते हैं उस टाइम पे, तो मैं ज्योमेट्री को मान के चल रहा हूँ कि आप नहीं करोगे, ठीक है। गाइस, यहाँ पे सिर्फ 90% की बात कर रहे हैं, जो लोग का ऑलरेडी अच्छा आ रहा है वो लोग इग्नोर कर सकते हैं वाला वीडियो, ठीक है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन लोगों को 90 नहीं आ रहा है, 70s 80s में फंसे हुए हैं, उनकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूँ अर्थमेटिक आपको करनी ही करनी है। नंबर सिस्टम और एलजेब्रा में आपको रिकमेंड करूंगा आप अपने अकॉर्डिंग देख लो वो क्या लगता है सही, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको पूरा छोड़ना है, कोई पूरा नहीं छोड़ना है, कोई आपको बेसिक करके जाना ही, क्योंकि कभी कभी होता है जो आपको बिल्कुल नहीं आता उससे बहुत इजी क्वेश्चन आ जाएगा, आप कर लोगे, फॉर्मूला बेस्ड आ जाएगा, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको एलजेब्रा नंबर से कुछ ना कुछ थोड़ा वो तो करना ही है, बट अच्छे से जो करना है वो मेरे ख्याल से आप एलजेब्रा कर लो, ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको जो टफ टफ टॉपिक्स हैं, इनइक्वालिटी वगैरह हो गया, वो आप थोड़ा हल्के में ले सकते हो, थोड़ा बहुत कर सकते हो। बाकी APGP वगैरह जो हो गया वो अच्छे से आप कर सकते हो, ठीक है, लीनियर इक्वेशन वगैरह वो कर सकते हो, ठीक है। नंबर सिस्टम इजी है, नंबर सिस्टम का बेसिक्स आप कर सकते हो आराम से। तो क्या स्ट्रैटेजी क्या है कि आपको कल से मान लो स्टार्ट कर रहे हो, 22 अक्टूबर से आप स्टार्ट कर रहे हो, जो अर्थमेटिक में टॉपिक्स आते हैं वो कौन से होते हैं, टाइम एंड वर्क हो गया,
ठीक है, एवरेज मिक्सचर एलिगेशन हो गया, TSD हो गया, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, उसके अलावा आपका हो गया परसेंटेजेस, इसी मान लेते हैं, चलो अलग मान लेते हैं इसको, ठीक है, SICI हो गया, ठीक है, SICI हो गया आपका, फिर हो गया रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। तो ये मेनली आपके टॉपिक्स हैं, ठीक है, टाइम एंड वर्क, एवरेज मिक्सचर एलिगेशन, TSD, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेजेस, SICI, रेशियो, पार्टनरशिप्स वगैरह हो गया, पार्टनरशिप्स वगैरह हो गया। तो ये आपके मेजर टॉपिक्स हैं, और TSD है, TDS भी लिख दिया मैंने। कितने टॉपिक्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, गाइस 8 टॉपिक्स हैं। तो अब इनको करना क्या है, आपको 22 से लेकर आपको 16 दिन देने हैं, हर टॉपिक को दो दो दिन। और करना कैसे वो बता देता हूँ आपको, अरुण शर्मा या फिर क्वांटम कैट की बुक उठा लो, उससे आपको सिर्फ एग्जाम्पल्स करने हैं, कुछ नहीं करना। मैं ये मान के चलूँ कि आप अभी स्टार्ट किया है, टाइम नहीं ज़्यादा आपके पास, ठीक है, आपको एक चैप्टर को दो दिन देना है, दो दिन में अच्छे से आपको एग्जाम्पल सारे करने हैं उसके, अपने आप से, मतलब एक बार ये मान के चलो कि आप एक दिन में 3 घंटा दोगे मिनिमम, 3 से 4 घंटा दोगे आप, ठीक है, 3 से 4 घंटा आप दोगे ही दोगे कम से कम, ज़्यादा दो आपके लिए अच्छा है, ठीक है, बाकी सेक्शन को आप कम दो, क्वांट्स को 5 घंटा दो, 4-5 घंटा दो आप, ठीक है, अच्छे से आप उसको समझो, थ्योरी पढ़ो उसकी, ठीक है। आप हेल्प ले सकते हो यूट्यूब से, वो भी दो दिन में ही इंक्लूडेड है, आपको हर चैप्टर को दो दिन देना है ये सारे, तो आपके 16 दिन में होगा, ठीक है। तो ये 8 नवंबर तक आपकी अर्थमेटिक हो जानी चाहिए पूरी, ये सारे चैप्टर्स, क्वांटम कैट या अरुण शर्मा किसी से भी, 8 नवंबर तक, ठीक है। अब 8 नवंबर को आप आओ, उसमें आप कर लो एलजेब्रा स्टार्ट। एलजेब्रा में जो आपके टॉपिक्स हैं वो क्या हैं, आपका APGP, फिर हो गया आपका क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गया, ठीक है, फिर आपका हो गया लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, लीनियर इक्वेशंस हो गया, और लॉगरिदम्स, लॉगरिदम्स आपका हो गया, ठीक है। तो ये आपका है कुछ मेन मेन टॉपिक्स, और इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी के लिए आप वीडियोस भी देख सकते हो गाइस, सबके लिए वीडियो देख सकते हो। तो ये मेन टॉपिक्स हैं, APGP, क्वाड्रेटिक, लीनियर इक्वेशंस, लॉगरिदम्स, इनइक्वालिटीज, ठीक है, फंक्शंस एंड ग्राफ्स छोड़ दो, आपको नहीं आता तो छोड़ दो, ये 5 टॉपिक हैं, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि आपको APGP क्वाड्रेटिक को आपको ज़्यादा टाइम देना है, ठीक है, दो दो दिन देने हैं, इनको दो दिन दो, इसको दो दिन दो, ठीक है, क्वाड्रेटिक को और APGP दो दिन दो, बाकी सबको एक एक दिन दो, ठीक है, एक एक दिन में हो जाएगा, 5-5 घंटे दो, 4-4 घंटे दो कम से कम, ठीक है, क्योंकि आपका मैं मान रहा हूँ कि बाकी चीज़ आपकी आ गई है, क्योंकि आप इस टाइम पे एक महीने रह गया तो कम से कम 8 से 10 घंटा आप पढ़ रहे होंगे, मैं मान के चल रहा हूँ ये, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग मैनेज करो आप, 2-2, 4-5-6, 7 घंटे 7 दिन, तो 8 नवंबर से 15 नवंबर तक आपका हो गया ये, 15 नवंबर तक गैस आपका ये हो गया, ठीक है, आपका वो हो गया एलजेब्रा, ठीक है। अब 5 दिन जो बचे हैं 20 तारीख तक, आपको क्या करना है, 15 से लेकर 20 तक आपको, 15 से 18, 3 दिन, 15 to 18 आपको करना है नंबर थ्योरी। नंबर थ्योरी में बहुत ज़्यादा नहीं है, नंबर थ्योरी में आपको बस फैक्टर्स मल्टीपल्स देखना है, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल्स देखना है, LCM मॉडल्स, HCF मॉडल्स देखना है आपको, ठीक है, यूट्यूब की वीडियो की हेल्प लो, ठीक है, और फैक्टोरियल देखना है आपको, ठीक है, बेसिक बेसिक चीज़ें। तो क्वांटम कैटी बुक अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो आप टाइम का मटेरियल यूज़ कर सकते हो, 15 से 18, ठीक है, 15 से 18 ये करो आप, ठीक है। और उसके बाद जो आपके 4 दिन हैं, उसके बाद के आपके 4 दिन जो होंगे 22 नवंबर तक, चार दिन आपको सिर्फ क्वांटम कैट की थ्योरी, ज्योमेट्री की और मेंसुरेशन ही करनी है। 2 दिन आपको पढ़ना है ज्योमेट्री, 2 दिन पढ़ना है आपको मेंसुरेशन, ठीक है, 5-5 घंटे 2 दिन, 22 तारीख तक मानो, ठीक है, आराम से हो जाएगा गाइस, आराम से हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, थोड़ा बहुत आपको बेसिक तो नॉलेज होगी ही होगी, ठीक है। और ये 2 दिन जो हैं, इसी में आपको एक आपको टेस्ट भी देना होगा, ठीक है, आपने ऐसे क्वांटम कैट टाइम एंड वर्क की कर ली, अब आपको आपने कोई ना कोई टेस्ट सीरीज ली होगी, तो आप उसका वो देखे चलो, एक टॉपिक टेस्ट दो, एक एक दो दो टॉपिक टेस्ट सबके दो, सबके आपको टॉपिक टेस्ट भी देने हैं इसके, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रेटेजी है 1 महीने की, 22 से 22, बाकी जो 7 दिन बचेंगे उन 7 दिनों में आपको जल्दी जल्दी रिवाइज करना है। तो आपको रिवाइज वही बुक से नहीं करना है, आपको कोई फॉर्मूला शीट ढूंढनी पड़ेगी, आप देख लो कहाँ से आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड की हो कोई फॉर्मूलाज, उसको आपको करना है, और साथ साथ आपको हर हफ्ते फॉर्मूले रिवाइज करने ही करने हैं, ठीक है। आप ये जो कर रहे हो 22 से 22, इसके बीच में भी आपको फॉर्मूला शीट रटनी है, वो आपको छोड़ना नहीं है,
फॉर्मूले शीट आपको मिल जाएगी नेट पर कहीं ना कहीं, बेसिक परसेंटेज मतलब बेसिक अर्थमेटिक के फॉर्मूले जैसे आपको मिल जाएंगे, तो ये आपको करना है। अब जो आप बाकी कर रहे हो मॉक दे रहे हो फुल लेंथ वो दो, क्योंकि ये जो काम था आपको ये 3-4 घंटे का काम था, हमने बोला कि इस टाइम पे एक महीना दे 10-12 घंटे दे ही रहे हो आप कैट के लिए, ठीक है। तो गाइस ये आपने अगर किया तो आपका आराम से 90 के अराउंड आएगा। बट अभी हम पूरी बात नहीं हुई, अभी हमने ये बताया कि वो पढ़ना कैसे है, आप बात कर रहे हैं वो करना क्या है एग्जाम में। अब देखो अर्थमेटिक अलजेब्रा नंबर ज्योमेट्री, हम मान के चले अर्थमेटिक से 10 क्वेश्चन आएंगे, अलजेब्रा से 6 क्वेश्चन मानो, नंबर से 4 मानो, ज्योमेट्री से 5 मानो, ठीक है। मैं मानता हूँ ज्योमेट्री बहुत लोगों को नहीं आती, क्योंकि आप पढ़ भी लोगों की थ्योरी तब भी आपको 2-3 दिन में पढ़ोगे तो आप निकालने मुश्किल हो जाएगा आपका, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर्टीज बहुत रटी होनी चाहिए आपको अच्छे से, क्योंकि आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो मैंने क्या माना है अर्थमेटिक, मैंने बोला अच्छे से करना है, मैंने उसके लिए कितने दिन दिए, बहुत टाइम दिया मैंने, 16 दिन दिए अर्थमेटिक को। आप 10 में से एटलीस्ट 7 क्वेश्चन करके ही आओगे, 3 क्वेश्चन मैं मान रहा हूँ कि आप 3 क्वेश्चन मैं मान के चल रहा हूँ गाइस कि आप गलत हो जाएंगे आपकी, या फिर आपको नहीं आते होंगे। एक चीज और गाइस, 25 क्वेश्चन अगर हैं इस बार कैट में, तो 25 में से मैं मान रहा हूं कि आपको 10 क्वेश्चन नहीं 8 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन भी आपने अगर सही कर दिए, मतलब 24 नंबर, आपका 90% आके रहेगा कैट में क्वांट्स में, ठीक है। 8 क्वेश्चन बस सही कर दिया आपने, तो ये 24 मार्क्स सही है, 24 मार्क्स मतलब आप सब निगेटिव मिला के, थोड़ा आपको ज्यादा करना पड़ेगा ना अटेम्प्ट, ठीक है। तो आप गाइस अर्थमेटिक में 10 में से आप बहुत संभाल के करोगे अटेम्प्ट तभी होगा, 10 में से 7 क्वेश्चन जो करोगे मतलब 10 में से 10 करो या 7 करो, 7 आपको सही करने हैं, ठीक है। या मान लो 7 आपने कर दिए, ठीक है। फिर अलजेब्रा भी आपने पढ़ी हुई है, अलजेब्रा में आपने 5 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट अच्छे से पढ़े थे, उसमें से आपको मान लो इनइक्वालिटी वगैरह समझ में नहीं आया, एपीजीपी वगैरह आया, तो आप 6 में से आधे क्वेश्चन तो कर ही दोगे ना, सही कर दोगे मेरे ख्याल से, सही 3 आ गए आपके यहाँ पे। नंबर से आपने जो पढ़ाया 4 दिन में 3 दिन में, उसमें से आप 4 में से 2 क्वेश्चन सही कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके 9, 10, 11 ज्योमेट्री में मान के चल रहे हो, एज्यूम करो 5 में से कुछ भी नहीं कर पाओगे, बट ऐसा नहीं, 1 क्वेश्चन तो कर ही लोगे, फिर भी मान लिए 0, तो आपने 11 क्वेश्चन सही किए अटेम्प्ट 25 में से, 11 में से मैं मान लेता हूँ 3 क्वेश्चन फिर आपके गलत हो गए, ठीक है, या 2 मान लो गलत हो गए, 2 क्वेश्चन तो गलत ही हो गए आपके, ठीक है। तो आपने कितने आ गए 27 नंबर, 27 आके फिर 2 गलत कर दो, 25 नंबर आपके आ गए कैट में, 25 नंबर आपके क्वांट्स में आ गए गाइस, तो आपको 90% मिनिमम आके रहेगा कैट में, ठीक है। मैंने जो स्ट्रैटेजी आपको पहले बताई थी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, ठीक है, वो आप अप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा, ठीक है। गाइस क्वांट्स स्कोरिंग से है, बट काफी लोगों को नहीं आता, जिनको नहीं आता समझ उनके लिए दिक्कत है काफी, जिनको आता है उनको ईजी लगता है क्वांट्स, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो, तो गाइस ये जो स्ट्रैटेजी थी ये आप अप्लाई करो, कल से लेकर अगले 22 तक आपका देखना आएगा स्कोर, ठीक है, आपका स्कोर आके रहेगा। बाकी आप 3 घंटे मैंने दिया है, आप चाहो तो और टाइम दे सकते हो, वीडियोज देखो, मेरी वीडियोज मैं फ्री बता देता हूँ आपको, वीडियोज में दिनेश मिगलानी ट्यूटोरियल्स एक करके है, ठीक है, दिनेश मिगलानी करके एक है, वो वीडियोस बनाते हैं बिल्कुल बेसिक के, वो आप देख सकते हो। एक रोधा करके चैनल है, वो आपको पूरा कैट के वीडियोस प्रोवाइड करता है फ्री, वो आप देख सकते हो, ठीक है, वो आप फॉलो कर सकते हो। बट इस टाइम में वीडियोस देखने में मैं ये बोलूंगा कि टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगता है, तो बुक्स रेफर करो टाइम लगेगा कम, ठीक है। तो ये दोनों वीडियोस आप देख सकते हो, इन दोनों के, दिनेश मिगलानी ट्यूटोरियल्स एंड रोधा, ये दोनों फ्री वीडियोस प्रोवाइड करते हैं कैट के, तो अगर इनकी वीडियोस देखोगे तो आपको लिए हेल्प हो जाएगा काफी, ठीक है। चलो गाइस, सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो, आई गेस वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो फिर से लाइक करो, ठीक है, वीडियो को, और सब्सक्राइब जरूर कर लो गाइस चैनल को, बिकॉज काफी वीडियोस मैंने पहले बोल चुका हूँ, ठीक है। कोई अगर डाउट आता है, कुछ अगर पूछना है आपको और समझ नहीं आ रहा कैसे करें, तो यू कैन डायरेक्टली पिंग मी 8604734785, मेरा नंबर है व्हाट्सएप का, मुझे डायरेक्टली पिंग कर सकते हो इस नंबर पे, ठीक है। और नीचे टेलीग्राम ग्रुप जो है उसको जरूर ज्वाइन करो गाइस, उसे मैं कंसेप्ट पोस्ट करते रहता हूँ, क्वेश्चंस पोस्ट करते रहता हूँ, उसको फॉलो करो आप, और बच्चे भी पोस्ट करते हैं वहाँ पे, अपनी डाउट्स पोस्ट करो, कम से कम 100 से 150 डाउट्स डेली पोस्ट होती हैं, काफी बड़े बड़े ग्रुप्स हैं 6-7 हज़ार के, तो आपकी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो सारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, और अगर आपको फ्री मॉक्स देने हो कैट एंड मैट स्नैप IFT CMAT CET डिसनेट mockzone.in MOCKZONE नीचे लिंक दिया है, mockzone.in में जाके फ्री मॉक टेस्ट का लिंक आएगा ऊपर मेन्यू में, वहाँ पे आप सारे मॉक्स दे सकते हो, इफ़ यू वॉन्ट टू परचेज द मॉक्स यू कैन गो एंड चेक, ठीक है। चलो गाइस, सो दिस वॉज ऑल ओवर द वीडियो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।